देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना वायरस की मार झेल रहा है। इस महामारी से बचने के लिए शासन प्रशासन भी मुस्तैद है। कई जिलों में लॉकडाउन के साथ साथ कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है और सख्ती से बरती जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर में भी कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। आज इंदौर में कोरोना के 5 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके चलते इंदौर कलेक्ट्रेट लोकेश जाटव ने दोपहर 2 बजे से अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। इंदौर से देखिए अमर वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। सर, कर्फ्यू की घोषणा की गई है, किस तरह की स्थितियां थी जिसे देखकर के ये कदम उठाया गया? कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए हम लोगों ने 23 जून को एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था, जिसमें बहुत विशेष निर्देश दिए गए थे और जिसका सबसे प्रमुख उद्देश्य यही था कि हम लोग ऐसे हर उपाय अपनाएं जिससे कोरोना के संक्रमण को हम लोग रोक सकें। इसी बीच कल देर रात को हम जो कुछ स्वैब लिए गए थे उसके हमारे पास रिपोर्ट्स आए हैं, जिसमें 5 पेशेंट्स हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उन 5 पेशेंट्स में से 4 पेशेंट हैं वो इंदौर के हैं और 1 हैं वो उज्जैन के रहवासी हैं। अब चूंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य करना, सख्ती से लागू करना सबसे इस वक्त की तात्कालिक सबसे अहम आवश्यकता है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य और लोक शांति को सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी 144 अंतर्गत हम लोगों ने इंदौर नगर निगम क्षेत्र में कर्फ्यू का आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत सभी तरह के वाहनों का उपयोग है वो प्रतिबंधित किया गया है। लोगों से अपील है कि अपने घरों में रहें, अपने घरों से बाहर ना निकलें। जो सारे शॉप्स हैं वो तात्कालिक रूप से हम लोग बंद करा रहे हैं और किसी भी तरह के वाहन, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, कार हो, किसी भी तरह की गाड़ियां हो, उनको हम लोगों ने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। कुछ आवश्यक सेवाएं हैं जिनको हम लोगों ने इस कर्फ्यू ऑर्डर से छूट दी है, जिसमें जितने भी हमारे ड्रग्स फार्मा इंडस्ट्रीज हैं या इन इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल बनाने वाली जो कंपनियां हैं या औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, उसमें लगने वाले वाहन और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को हम लोगों ने छूट दी है। इसके साथ साथ जितनी भी प्रतिष्ठान हैं या औद्योगिक इकाइयां हैं जो खाद्य पदार्थ का निर्माण करती हैं, चाहे वो दाल हो या अनाज हो या पेयजल हो, इस तरह के जो प्रतिष्ठान हैं उसको भी हम लोगों ने एग्जम्पशन की कैटेगरी में रखा है। हमारे समस्त शासकीय और निजी चिकित्सालय में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पैरामेडिक स्टाफ काम कर रहा है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो भी एग्जम्प्टेड रहेंगे। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था के उद्देश्य से जितने भी अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं या अन्य शासकीय कार्य संपादित कर रहे हैं, उन्हें भी हम लोगों ने इस आदेश से छूट पर रखा है। लोगों से विनम्र अपील है, आग्रह है, मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि 4 केस इंदौर के रहने वाले कोरोना से पॉजिटिव जरूर आए हैं, परंतु उनकी हालत बहुत स्टेबल है और हमारे वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार उनसे संपर्क कर रही है, उनकी देखरेख कर रही है। इसके अतिरिक्त जो पॉजिटिव केसेस थे उनके घर के जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, जो प्राइमरी कॉन्टेक्ट की श्रेणी में आते हैं, उनकी भी हम लोग स्क्रीनिंग तात्कालिक रूप से करा रहे हैं। किसी भी तरह से डर, अफवाह या भ्रम की स्थिति नहीं है, ना ही इस तरह की खबरों पे लोग विश्वास करें। वर्तमान में पॉजिटिव केसेस जरूर आए हैं, परंतु उनकी स्थिति स्टेबल है और स्थिति में सुधार भी होगा। एहतियात के तौर पे हम लोग ने मेडिकल टीम को मोबिलाइज कर दिया है। हमें जहां जहां से भी सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ लोगों में सिम्टम्स हो सकते हैं, हमारे लोग वहां पे जा रहे हैं, उनको एग्जामिन कर रहे हैं। मैं लोगों से पुनः अपील करना चाहूंगा कि कृपया करके, क्योंकि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें। किसी भी तरह की अफरा तफरी अगर आपको मैसेज मिलता है, प्लीज उसको इग्नोर करें। तात्कालिक रूप से हम लोग जो दुकानें बंद करा रहे हैं लोगों की सहूलियत के लिए, 26 तारीख से प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक सारे के सारे जो शॉप्स थे, जो पहले भी खुले हुए थे या पेट्रोपम्प थे, वो सभी पूरी तरह संचालित होंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो किराना एसोसिएशन है या ऑन होम डिलीवरी जो करते हैं, उन सभी कंपनियों के या ब्रांड्स के या उनके एसोसिएशन के आज बैठक कॉल की है और उन्हें मोटिवेट किया है कि अधिक संख्या में वेंडर्स को एम्प्लॉय करें, ताकि हमारे जो लोग हैं उनके घरों पे राशन की जो सामग्री है वो हम लोग होम डिलीवरी कर सकें।
मेरा पुनः अपील है कि कृपा करके किसी भी भ्रामक जानकारी, असत्य जानकारी या कोरोना की बीमारी से संबंधित जो भी जानकारी है उस पर विश्वास ना करें। कोरोना के संबंध में हम लोग सुबह और शाम दो बुलेटिन जारी करेंगे जो आधिकारिक बुलेटिन होंगे। इसके अतिरिक्त मैं पुनः रिपीट करूंगा कि हम लोगों ने इंदौर नगर निगम क्षेत्र में कर्फ्यू घोषित कर दिया है। लोगों से अपील है अपने घरों में रहें, यदि किसी भी तरह का उल्लंघन पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर वर्मा और आप देख रहे समाचार एक्सप्रेस पर हमारी खास रिपोर्ट। खास रिपोर्ट पर आपको दिखाएंगे कि इंदौर में 5 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिसकी वजह से इंदौर कलेक्टर लोकेश जाटव ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया और 2 बजे से यहाँ पर कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यहाँ और लोगों को कहा गया है कि वो अब घरों से बाहर नहीं निकले, वरना उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हो इंदौर के रिगल चौराहे से आप किस प्रकार से सुनसान है रोड। इस पर कोई किसी भी प्रकार से, जब से कर्फ्यू की ऐलान किया गया है तब से रोड पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ एक और प्रशासन सख्त हो गया है तो वहीं लोगों ने अपने आप को घरों में आइसोलेट कर लिया है, न कि घरों में कैद हो गए हैं। अब ये अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। कैमरामैन दिनेश मीनारा के साथ अमर वर्मा, समाचार एक्सप्रेस इंदौर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.